15,000 के अंदर आने वाले टॉप 3 ऐसे खतरनाक गेमिंग फोन्स जो कि पबजी BGMI में 120 FPS तक की गेमिंग करा के देंगे। हबीबी ये कैसे हो सकता है, 15,000 के अंदर 60 FPS मिलना इतना मुश्किल होता है और ये कहता है 120 FPS मिलेगा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तुम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा, भाई कैसे मिल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। और तुम में से बहुत सारे भाई और बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई 15,000 के अंदर एक अच्छा गेमिंग फोन बताओ। तो भाई इस वीडियो में प्रॉपर रिसर्च के साथ मैंने फोन लाए हैं 3, और 3 में से जो नंबर 1 पे जो मैंने फोन रखा है ना, वो एकदम खतरनाक होने वाला है। तो तुम्हें एंड तक देखो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और देखो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे अच्छे से बताएं भाई, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारा बजट कम है, तुम्हें कम बजट में अच्छा फोन चाहिए, तो बस ये वीडियो देख लो, तुम्हें यूट्यूब पे और कहीं और जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 में अच्छा फोन, ये वीडियो देख लोगे तुम्हें सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। तो और मेरे गेमर्स, क्या हाल चाल है यार। नंबर 3 पे जो मेरे फोन को रखा है उसका नाम है CMF Phone 1। अगर खैर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर जो तुम्हें डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है 6.67 inches का एक AMOLED डिस्प्ले, विच इज गुड। एंड ऑल्सो अगर बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 120 Hz का, लाइक इतने कम बजट में। एंड ऑल्सो इसके अंदर तुम्हें जो पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है वो है ऑलमोस्ट 2000। लिटरली भाई एक ऐसा फोन, 15,000 का फोन, सस्ता फोन, मतलब इसका डिस्प्ले काफी अच्छा है यार। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ ना, डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो तुम्हें देखने को मिलता है 5000 mAh का। एंड ऑल्सो अगर बात करें इसके चार्जर की, तो भाई वो बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है सुनने में आ रहा है, तो तुम्हें बाहर से लेना पड़ेगा, लाइक 33 W का मिलता है देखने को। एंड ऑल्सो अगर बात करें इसके कैमरा की, तो भाई इसका जो तुम्हें मेन कैमरा देखने को मिलता है वो है 50 MP का। एंड ऑल्सो इसके अंदर जो इसका फ्रंट वाला कैमरा है वो है 16 MP का, सेल्फी वाला। बात करें इस कैमरा के कैमरा क्वालिटी की, लाइक क्वालिटी कैसा निकल के आएगा, तो भाई इसका जो मेन कैमरा है उसके अंदर तुम्हें 4K 30 FPS सपोर्ट करता है। एंड जो सेल्फी वाला है फ्रंट वाला, वो तुम्हें निकाल के देगा 1080p 60 FPS। तो कैमरा काफी ठीक ठाक है, अच्छा कैमरा है। बात करें अब इसके भाई इंटरनल चीजों की, इंटरनल क्या क्या चीज आती है, मतलब उसमें गेमिंग भी आता है साथ साथ में। इसके अंदर तुम्हें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है ऑलमोस्ट MediaTek का Dimensity 7300 का प्रोसेसर, जो कि 4nm पे बेस्ड चिपसेट है, विच इज लाइक गुड, लाइक अच्छा खासा पावरफुल होता है ये चिपसेट, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर बात करें इसके एंटूतु स्कोर की, तो वो है ऑलमोस्ट 6,70,000+, तो इट इज गुड। खैर बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा स्मूथ प्लस 60 FPS। आई नो कि तुम्हें से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 120 FPS का क्या हुआ, वो अब मैं आगे बताऊंगा। एंड बात करें इस फोन के प्राइस की, तो भाई इसका जो बेस वेरियंट है 6GB RAM 128 इंटरनल स्टोरेज वाला, वो तुम्हें देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 15,000 का। हाँ, थोड़ा बहुत प्राइजेस का अप एंड डाउन होता रहता है। बाकी अगर तुम्हें ये फोन पसंद आ गया है, तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नंबर 3 पे क्लिक करो और वहां से जाके लो, थोड़ा तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा। नंबर 2 पे जो मैंने फोन को रखा है उसका नाम है Realme P1, और भाई ये फोन भी बहुत ज्यादा बढ़िया फोन है। एंड खैर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की, जो इसके अंदर तुम्हें डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है 6.67 inches का फुल HD AMOLED डिस्प्ले, तो जो कि बढ़िया है। एंड ऑल्सो अगर बात करें इसके रिफ्रेश रेट की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 120 Hz का। एंड भाई मतलब बढ़िया है। और एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो था इसका पीक ब्राइटनेस, जो कि है ऑलमोस्ट 2000 nits का। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया डिस्प्ले है बजट रेंज में। फिर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 5000 mAh का, विच इज ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो अगर बात करें इसके चार्जर की, तो भाई इसके अंदर जो तुम्हें चार्जर वॉट देखने को मिलता है वो है ऑलमोस्ट 45 W का, विच इज मतलब ओवरऑल बढ़िया ही है। एंड बात करें इसके कैमरे की, तो इसका जो तुम्हें मेन कैमरा देखने को मिलता है वो है 50 MP का, और जो इसका फ्रंट वाला है वो है 16 MP का, विच इज गुड। खैर बात करें इसके इंटरनल चीजों की, ठीक है, क्या क्या चीजें मिलती है, प्रोसेसर गेमिंग वगैरह, तो भाई इसके अंदर तुम्हें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट MediaTek का Dimensity 7050 का प्रोसेसर है, विच इज गुड, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें जो एंटूतु स्कोर देखने को मिलता है वो है 6 lakhs+ इसका एंटूतु स्कोर है, तो बढ़िया फोन है भाई। एंड इसके अंदर तुम्हें Android 14 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। खैर बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो भाई इसके अंदर तुम्हें स्मूथ प्लस 60 FPS देखने को मिलेगा। अब आई नो तुम्हें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, भाई 120 FPS कहाँ है, ठीक है, बता रहा हूँ, आगे आएगा। खैर बात करें इस फोन के प्राइस की, तो भाई इसका जो बेस वेरियंट है 6GB RAM 128, वो तुम्हें देखने को मिलेगा 15,000 का। एंड थोड़ा बहुत पैसा है इसका, मतलब है ना, रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अगर तुम्हें ये फोन पसंद आ गया है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे क्लिक करो और जाके मेरे लिंक से जाके खरीदो, तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, यू नो,
तो अच्छा रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। नंबर वन पे जो मैंने फोन को रखा है, अरे ऐसे कैसे बता दूं, लेकिन नंबर वन बताने से पहले, वो बहुत बढ़िया फोन है, ठीक है, बहुत पावरफुल फोन है, लेकिन वो बताने से पहले मैं थोड़ा तुम सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई मैं नोटिस कर रहा हूँ हमारी ग्रोथ हो नहीं रही है, लाइक तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, तो डू सब्सक्राइब अगर तुम्हें ऐसे ही गेमिंग फोन्स के रिलेटेड एंड गेमिंग में इंटरेस्ट हो, तो बहुत धमाकेदार चीजें आने वाली फ्यूचर में, बहुत हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना, हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 25K के। खैर अब मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर, तो नंबर वन पे जो मैंने फोन को रखा है उसका नाम है टेक्नो कैमन 20 प्रो, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया फोन है। खैर बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की, इसके अंदर जो तुम्हें डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है ऑलमोस्ट 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, विच इज गुड, एंड ऑल्सो इसके अंदर तुम्हें जो रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो है 120 हर्ट्ज का। तुम लोग नोटिस कर रहे हो मैंने जितने भी फोन्स बताए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। एंड बात करें इसकी पीक ब्राइटनेस की, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है इसका पीक ब्राइटनेस, बट ओवरऑल गेम परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर जो तुम्हें पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है वो है ऑलमोस्ट 800 निट्स का, जो कि कम है बट थोड़ा मैनेज कर लो यार, ठीक है, अगर गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो फिर कुछ बैलेंस करना पड़ता है। खैर बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो वो तुम्हें देखने को मिलता है 5000 mAh का, विच इज गुड, एंड ऑल्सो इसके अंदर तुम्हें चार्जर देखने को मिलता है जो है वो है ऑलमोस्ट 33 वॉट का, जो कि बढ़िया ही है। अब बात करें इसके कैमरा की, तो भाई इसके अंदर तुम्हें 64 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि अच्छी खासी क्वालिटीज में फोटोज निकाल देगा भाई, मतलब इतना काफी होता है, लाइक मैंने यूज कर रखा है, लाइक इतने इनफ होते हैं। एंड ऑल्सो इसका जो तुम्हें फ्रंट में जो कैमरा देखने को मिलता है वो तुम्हें देखने को मिलता है 32 MP का सेल्फी वाला कैमरा, तो काफी ठीक ठाक अच्छे फोटोज, डिसेंट फोटोज निकाल ले गए। बात करें अब इसके इंटरनल चीजों की, लाइक प्रोसेसर वगैरह क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जो तुम्हें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है MediaTek का Dimensity 8050 का प्रोसेसर, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, काफी पावरफुल प्रोसेसर होता है। एंड बात करें इसके Antutu स्कोर की, वो है ऑलमोस्ट 6 लाख+, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑल्सो इसके अंदर तुम्हें एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा बढ़िया फोन है बजट के अंदर। अब बात करें इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, कितना FPS निकाल के देगा, तो भाई ये आराम से स्मूथ प्लस 90 FPS सपोर्ट करता है। अब आई नो तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 120 का है, अरे आगे बता रहा हूँ, रुक जाओ, थामा आगे बता रहा हूँ। खैर बात करें इस फोन के प्राइस की, तो इसका जो बेस वेरिएंट तुम्हें देखने को मिलेगा 8GB रैम 128 इंटरनल स्टोरेज वाला, वो तुम्हें देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 15,000 का। अब देखो इस फोन का प्राइस क्या है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो अगर तुम्हें फोन पसंद आ गया है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर वन पे क्लिक करो और मेरे दिए लिंक से जाकर खरीदो, तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ेगा। खैर अब तुम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई 15,000 के अंदर 120 FPS मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। देखो तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, जो मैंने फोन ढूंढ के निकाले हैं 60-90 वाले, यही मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके हमारी टीम ने निकाला है, और 120 मिलना 15,000 में थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है इतने कम बजट में। 60-90 मिल गया वही बहुत बड़ी बात है। अब तुम लोग बोलोगे भाई फिर कैसे मिलेगा 120, तो भाई तुम्हें थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, लाइक 20,000 है ना, 5,000 ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें एक 20,000 वाला फोन लेना पड़ेगा। तो अब तुम लोग बोलोगे वो कहाँ से मिलेगा, तो मैंने इस पर डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, मतलब टॉप 3 ऐसे खतरनाक गेमिंग फोन्स बताए अंदर 20,000, जो कि 120 FPS तक की गेमिंग करा के देते हैं। तुम्हें वो वीडियो जरूर देखना चाहिए अगर तुम 120 FPS वाला गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो, तो उस वीडियो का लिंक एकदम ही सामने आ रहा है, क्लिक करो और अभी देखो।